12/3/2021 और दिन शुक्रवार और विषय हिंदी और कक्षा CLASS क्लास 12। ठीक, यहाँ पे रहेगा अर्थ संबंधित प्रश्न उत्तर, अर्थात हम जो प्रश्न उत्तर करेंगे उत्तर संबंधित करेंगे। ठीक है, प्रश्न एक, राम व्याकुलता एकदम बेचैनी को अपनी कैसी दशा में आशंका व्यक्त करता है, कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा उत्तर, राम व्याकुलता में अपनी उस दशा को आशंका में व्यक्त कर रहे हैं जिस प्रकार पंखों के बिना जो पंछी होती है और मणि, जो सांप को मणि होता है, ठीक है, उसके बिना और सूंड के बिना हाथी नहीं होती, उसी प्रकार से राम जी का जो भाई होता है लक्ष्मण का, बिना राम का कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रश्न दो, अयोध्या एक गांव है, अयोध्या जहां राम लोग राम लक्ष्मण सब लोग अयोध्या जाने से राम को किस उलझन में, क्या उलझन में भय था, डर था, अर्थात इसका उत्तर रहेगा अयोध्या जाने से राम जी को इस बात की भय था कि उसके भाई लक्ष्मण के बिना वो क्या मुंह लेकर के गांव जाएगा। देखेंगे तो पूछेंगे सब लोग कि अयोध्या जाने से लोग सब लोग उसे पूछेंगे, दोषी देंगे कि इसने अपनी पत्नी के लिए, श्री राम जी की पत्नी के लिए, अपने पाने के पति को पाने के लिए अपने भाई को, भाई का क्या कर दिए, अपने जीवन दांव पे लगा दिए, सोचेंगे ऐसे। अगला प्रश्न है तीसरा, राम पिता के किन वचनों को, वादा करते हैं, वादा करता हूं, मुझसे वादा करते हैं, वचनों को मानने की बात कह रहे हैं और क्यों। यहां पे उत्तर रहेगा, राम पिता के 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष वनवास जो हम लोग ऐसे ऐसे जाते थे ना राम जी के साथ में लक्ष्मण और उसकी तीनों ऐसे करके पूरा घूमते थे अयोध्या वनवास, की बात को न मानकर की बात कह रहे थे, यदि उन्हें मालूम होता तो उन्हें अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के बिछुड़ना पड़ेगा तो उन्हें पिता का वचन वादा का पालन नहीं करता। अगला प्रश्न चार, लक्ष्मण की माता भी कौन थी, राम उसके बारे में क्या कह रहा था, अर्थात जो राम के भाई थे ना उसकी मम्मी माँ कौन थी और क्या कह रहा था। तो उत्तर रहेगा, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, ये नाम है सुमित्रा थी, सुमित्रा एक मात्र प्यारा उसका पुत्र था लक्ष्मण, ठीक है, जिन्हें उन्होंने राम के हाथों में क्या कि उनके सुखद जीवन के लिए सौंपा गया, बोल दे जा जा करके। इसके बाद अगला प्रश्न पांच, राम के अनुसार नारी का क्या योगदान या महत्व योगदान क्या है। यहां पर उत्तर में रहेगा, राम के अनुसार नारी का महत्व एक पुरुष के जीवन में भाई से कम महत्व है, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद दूसरी आ सकती है। ठीक है, एक पत्नी ऐसे हो गई दूसरी आ सकती है, किंतु जो सगे भाई होते हैं, एक ही मां के गर्भ से पैदा होते हैं, सगे भाई होते हैं, उसके जाने के बाद दोबारा नहीं आता, या दोबारा भाई प्राप्त नहीं होता,
अगला प्रश्न छह, राम को विलाप की दशा कैसे हुई, अर्थात जो राम भगवान था, राम भगवान उसको विलाप की कैसे हुई। यहाँ पे उत्तर रहेगा राम के विलाप की दशा उनके कमल दंत, देखो कमल दंत के समान उसी के बराबर में सुंदर नेत्रों वाला, सुंदर नेत्रों वाला के अपार आंसू, बहुत आंसू निकल रहा था, देखो रो रहा हाँ, बनने लगे। अगला प्रश्न है सात, अखंड में कौन किसकी, किसने किससे क्यों कहा, अखंड में इसने कौन किसने और किससे क्यों कहा। यहां पे उत्तर रहेगा अखंड में प्रभु राम ने या शिव जी, जो डबरू वाला बजाते हैं शिव जी, उससे और पार्वती उसकी पत्नी से, दोनों से माता कहा, मां कहा, क्योंकि उन्होंने उसकी आचरण, उसकी जो स्वभाव थी, आचरण थी, उसको किरदार निभाया अपने भक्तों को, जो सब लोग पूजा करते हैं ना उसी भक्तों का, कि कृपा से ही मानव शरीर, हमारा जो शरीर है वही हमको क्या धारण करने को निभाया है, बताया है। अगला प्रश्न आठ, प्रभु राम के विलाप को वानर मतलब ये बजरंगली है ना, के सेना लोग सब लोग, सब जितने लोग सेना लोग थे उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा अपने शरीर पर, क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे उत्तर बनेगा प्रभु, जो प्रभु थे राम जी थे, उनके विलाप का वानर सेना पर, ये बजरंगली उसकी वानर सेना पर सब पर अत्यधिक व्याकुलता, एकदम बेचैनी हो गए थे और वही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। ठीक,